चलिए डिफ्रेंशिएशन ऑफ इम्प्लीसिट फंक्शन, डिफ्रेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फॉर्म, इम्प्लीसिट पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा। जैसे एक्स एंड वाई जो है ना वो टी के फॉर्म में रहेगा, फॉर्म ऑफ टी, तो उसको देन डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टी, मतलब एक्स और वाई टी के फॉर्म में रहेगा तो उसको टी के रेस्पेक्ट में करेंगे। जैसे एक्स इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू जी टी, मतलब x भी t के फॉर्म में है और y भी t के फॉर्म में, तो यहाँ से डी एक्स वाई डी टी इक्वल टू हो जाएगा f डैश t, और यहाँ से डी वाई वाई डी टी हो जाएगा g डैश t। तो यहाँ से अगर डी वाई वाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई वाई डी एक्स को लिखेंगे डी वाई वाई डी टी अपॉन में डी एक्स वाई डी टी, यहाँ से dy वाई बाई डी टी इक्वल टू कितना है g डैश टी, और dx एक्स बाई डी टी कितना है f डैश टी। तो मतलब दोनों फंक्शन t के फॉर्म में है तो t के रेस्पेक्ट में करेंगे डेरिवेटिव और उसके बाद dy वाई बाई डी एक्स निकाल देंगे। अगर दूसरा जैसे मान के चलते हैं x बराबर एफ एक्स और y बराबर मतलब एफ टी, अब ये t के फॉर्म में है और ये x के फॉर्म में है, यानी t बराबर ये t इक्वल टू एफ एक्स और ये y इक्वल टू एफ टी, तो यहाँ से dy वाई बाय डी टी इक्वल टू हो जाएगा f डैश t, ठीक है, मतलब t के फॉर्म में था और ये x के फॉर्म में, तो dt टी बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, ये x के फॉर्म में था तो ये x के रिस्पेक्ट में, ये t के फॉर्म में था तो t के रिस्पेक्ट में, और निकालना है dy वाई बाय डी एक्स, तो dy वाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू में डी एक्स बाई सॉरी डी टी वाई डी एक्स, क्योंकि ये डी टी वाई डी एक्स है, अगर डी एक्स नीचे है तो मल्टीप्लाई होगा, अगर डी एक्स ऊपर है जैसे इसमें ऊपर था तो डिवाइड था, यहाँ से डी वाई बाई डी टी का मान है एफ डैश टी और डी टी वाई डी एक्स का मान है एफ डैश एक्स, ठीक है। तो ये हो गया पैरामेट्रिक फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल में देखिए वाई इक्वल टू ए टी स्क्वायर और एक्स इक्वल टू टी फोर और dy वाई बाई डी एक्स निकालना है, मतलब dy वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो यहाँ से dy वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे तो सबसे पहले dy वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा, तो t के रिस्पेक्ट में तो a कॉन्स्टेंट है और t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, उसी प्रकार t के फॉर्म में, ये भी t के फॉर्म में है तो यहाँ से dx एक्स वाई डी टी बराबर हो जाएगा t फोर का डेरिवेटिव हो जाएगा 4t क्यूब, ठीक है। यहाँ से आपको निकालना है dy वाई बाई डी एक्स, तो dy वाई बाई डी एक्स जो निकालेंगे तो dy वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी, तो dy वाई बाई डी टी की वैल्यू जो है 2at और dx एक्स वाई डी टी की जो वैल्यू है 4t क्यूब, तो कट पुट करके मतलब ये 2 से और tt कैंसिल तो ऊपर में बचेगा a अपॉन यानी 2t स्क्वायर, ये आपका डेरिवेटिव निकल गया, मतलब dy वाई बाई डी एक्स का, मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म का मतलब फंक्शन जिसके फॉर्म में रहेगा उसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे और उसके बाद dy वाई बाई डी एक्स निकाल लेंगे। जैसे में नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे y बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और x बराबर दिया हुआ है a साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो यहाँ से देखिए ये किसके फॉर्म है, थीटा के फॉर्म में, तो थीटा के रेस्पेक्ट में निकलेगा, तो यहाँ से dy वाई बाय डी थीटा बराबर हो जाएगा a कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव होता है कॉस थीटा और कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस ऑलरेडी था ये प्लस साइन थीटा, और उसी प्रकार ये भी थीटा का फॉर्म है तो डी एक्स वाई डी थीटा बराबर हो जाएगा ए कॉन्स्टेंट, साइन थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, आपसे डी वाई बाई डी एक्स पूछ रहा है तो यहाँ लिखेंगे डी वाई बाई डी थीटा अपॉन में डी एक्स वाई डी थीटा, तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर है दिया हुआ ए कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और डी एक्स वाई डी थीटा बराबर ए
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसमें ए ए कैंसिल, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा अपॉन में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा हो जाएगा। अच्छा ये माइनस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये आपका डी वाई डी एक्स निकल गया। तो मतलब इसी प्रकार सब क्वेश्चन को मतलब टी के फॉर्म है तो टी के रेस्पेक्ट में निकालेंगे, एक्स के फॉर्म रहेगा तो एक्स के रेस्पेक्ट में, और थीटा के फॉर्म है तो थीटा के रेस्पेक्ट में, दोनों को अलग अलग निकाल करके डी वाई डी एक्स फाइंड कर दिया। ठीक है।